आज हमने एकदम झट से बन जाए ऐसा टेस्टी और हेल्दी आलू मटर का नाश्ता रेडी किया है। ये बड़े और बच्चे सबको पसंद आएगा। इसे हम बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं आलू मटर का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। दो मीडियम साइज के आलू को छील के मीडियम चॉप कर लिया है। एक कप मटर लिया है, इसे हम पहले बॉईल कर लेते हैं। कुकर में रखने वाला एक कंटेनर लिया है, इसमें आलू डाल देंगे, मटर भी साथ में डाल देंगे। कुकर में थोड़ा पानी डाल देंगे, एक ग्लास जितना पानी डालेंगे। इसमें रिंग रख देंगे, आलू मटर का कंटेनर ऊपर रख देंगे इस तरह से। गैस चालू कर देंगे, चार से पांच सीटी तक इसे कुक कर लेते हैं। पांच सीटी तक इसे कुक किया है और कुकर ठंडा हो गया है, इसे हम खोल लेते हैं। कंटेनर को बाहर निकाल लेंगे, इसे हम छन्नी में निकाल लेंगे ताकि अंदर का पानी जो है वो सारा निकल जाए। पांच मिनट के लिए इसे ऐसे ही रखेंगे ताकि अंदर का सारा पानी निकल जाए। पांच मिनट हो चुकी है तो इसे एक बाउल में ले लेंगे। इसे हम पोटैटो मैशर से मैश कर लेते हैं। अच्छे से इसे मैश कर लेंगे। इस तरह से चला के मटर को भी मैश कर लेना है। अच्छे से मैश हो गया है ये। मल्टीग्रेन ब्रेड की चार स्लाइस ली है, आप कोई भी ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तोड़ के इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसका ब्रेड क्रम्स बना लेते हैं। ब्रेड का हमने ब्रेड क्रम्स बना लिया है, ब्रेड क्रम्स बनाया है ये डाल देंगे। पांच से छह लहसुन की कली, एक इंच अदरक का टुकड़ा और तीन हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च हमने कम तीखी वाली ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्ची ले सकते हैं। बच्चों के लिए बनाए तो मिर्ची कम डालें। इसकी हम रफली पेस्ट बना लेते हैं। अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को हमने पीस लिया है। तीन से चार टेबलस्पून हरा धनिया बारीक चॉप करके लिया है। एक छोटा सा कैप्सिकम इसे बारीक चॉप किया है और दो से तीन टेबलस्पून बारीक चॉप फुदीना ये अंदर डाल देंगे। एक टीस्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो चिली फ्लेक्स मत डालें। चिली फ्लेक्स की जगह पे आप लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। आधी टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसे चटपटा बनाने के लिए आधी टीस्पून आमचूर पाउडर डालेंगे, इसके बदले में आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। एक चौथाई टीस्पून हींग, एक टीस्पून जीरा पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसे टेस्ट करके देख लेना है। अगर नमक कम है तो आप थोड़ा डाल सकते हैं। हाथ पे थोड़ा तेल लगा लेंगे। इस तरह से लंबा रोल कर लेंगे और एक जैसी लोई तोड़ेंगे ताकि हम टिक्की बनाए वो एक ही साइज की बने। इस तरह से पहले बॉल बना लेते हैं। हाथ में थोड़ा तेल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह से इसकी राउंड टिक्की बना लेते हैं। इस तरह से टिक्की रेडी कर लेते हैं। इस तरह से सारे टिक्की रेडी कर लेते हैं। टिक्की हमने बना के रेडी कर ली है। अभी हम इसे बारीक रवा के अंदर कोट करेंगे। बारीक वाली सूजी ली है,
इस तरह से सूजी को ऊपर कोट कर लेते हैं। सूजी के बदले में आप ड्राई ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। इस तरह से सूजी को कोट कर लेंगे। टिक्की को हमने सूजी से कोट कर लिया है। इसे इस तरह से रेडी करके आप फ्रिज में रख सकते हैं और जिस टाइम पे सर्व करना है उसी टाइम पे इसे आप सेलो फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। बच्चों के टिफिन में अगर देना है तो इस तरह से रेडी करके आप रात को फ्रिज में रख दीजिए और सुबह में इसे सेलो फ्राई करके आप टिफिन में भी दे सकते हैं। अभी हम आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। इसी टाइम पे इसे सेलो फ्राई करना है तो कर सकते हैं। टिक्की को हम सेलो फ्राई कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल को थोड़ा गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अंदर टिक्की रख देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इस तरह से पैन को घुमा के ऐसे सेलो फ्राई करेंगे ताकि सभी जगह से एक जैसी फ्राई हो जाए। टिक्की को पलट लेंगे। दूसरी साइड पे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट कुक की है। वापस एक बार इसे पलट लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। धीमी आंच पे थोड़ी देर इसे कुक करेंगे। लाइट गोल्डन कलर आ गया है दूसरी साइड पे भी, तो इसे हम निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे। एक्स्ट्रा तेल जो है वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। इस तरह से बाकी की टिक्की को भी फ्राई कर लेते हैं। हमने इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे हरी चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो आसान तरीके से बन जाए ऐसा आलू मटर का नाश्ता रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ में।